west bengal has become a safe haven for bomb making, all type of anti-social activities. there are uh, terrorist training camps. and certainly it will happen when the law machinery looks the other way because of their cheap vote bank politics. we are seeing those who should be protecting, they are themselves being attacked. we have seen recently

जो कलकत्ता आज सोचती है वो हिंदुस्तान कल सोचता है उस महान परंपरा का उस महान बंगाल को जिस प्रकार ममता बनर्जी जी ने अपने कुशासन के कारण आतंक के गर्थ की तरफ वो धकेलते जा रही है वह अपने आप में चिंतनीय है यह पहली घटना नहीं है बीरभूम में जो बम बनाते हुए धमाका हुआ लोग भी मारे गए और सच्चाई जनता के सामने आई कई बार ऐसे काम बंगाल में हो चुके हैं बम खुलेआम बनाए जा रहे हैं आखिर ये बम क्यों बनाए जा रहे हैं किसको उड़ाने की साजिश है बंगाल में किस प्रकार से आतंकवाद अपना पैर पसारे जा रहा है क्या किसी प्रकार से ममता बनर्जी को कोई चिंता है मालदा जैसे इतनी बड़ी घटना हो जाती है जिसका नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्ट लेना देना है और जब ममता बनर्जी जी से पूछा जाता है तो वो कहती हैं इस विषय में कोई बात नहीं करो आखिर कब तक इन सब बातों को छुपाना है आखिर बंगाल को हमें क्या बनाना है यह बंगाल की जनता भी पूछ रही है हम भी पूछ रहे हैं आखिर ममता